ये तो ये इसमें तो 2 लाख रुपए अनुदान आपको लग रहा है क्या? 2 लाख रुपए का अनुदान ले लिया इसमें? नहीं लग रहा है सर, ये तो कहां 2 लाख का होगा। हम तो बोले कि उसको अच्छा बना रहे भैया, उसमें एसी वेसी भी लगाएंगे अपने पैसे से। हाँ। मतलब आलू प्याज वगैरह अपना प्याज वगैरह खुद उगाएंगे। हाँ। आप देखिए ना, तो खुद यहाँ सब्जी उगाते हैं सर। हाँ। और अपने स्टोरेज रखेंगे भैया, अचानक हम लोग को भी काम आ गया, हमारा जरूरी चीज है करके। और हमारा खलिहान तो यही है, धान रखते हैं सरकार ला के, काट के ला के यहीं से खाते हैं, यहीं से बेचते हैं भैया। अब बिक गया नहीं तो पूरे इसमें धान पड़ा सर। और हम सब्जी उब्जी भी लगाते हैं पूरा, देख लीजिए आप, घाटा लगाए हैं उसमें भिंडी। नहीं अभी आपको पक्का चाहिए क्या? पक्का रहने से ठीक रहता सर। चलो ठीक है। और सब चीज़ तो मतलब हम लोग तो इसमें लगा कर आपका, आपको क्या चाहिए आपको ये बताओ, आपको ये चाहिए कि पक्का चाहिए? पक्का रहता तो अच्छा रहता सर। इसको हम स्टोर बनाते हैं क्योंकि हम अभी ड्रिप ले रहे हैं, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था हो गया, तो वैसे टमाटर नए सीजन में लगाते हैं कुछ भी नहीं। तो इसमें सहमति काय को दे दी आप? हमको क्या मालूम सर कि मतलब क्या होता है। तो मतलब आपका कैंसिल हो गया भाई करके, वो तो शुरू से आपका कुछ नहीं होगा करके शुरू से चले गए थे। हम चुप बैठे थे चलो भाई हटाओ हमको क्या करना करके। उसके बाद फिर आनंद थानन में बनवा के दिए हैं, वहाँ से सामान ले आओ भाई बख्तरा से जाके करके। तो ट्रैक्टर पकड़ के गया सामान उमला, उसके बाद एक दिन मिस्त्री आप फिट करके गया हूँ बख्तरा में। यहाँ सामान ले आओ मतलब विभाग वाले बोले सामान ले आओ। तो यहाँ पेमेंट दिए क्या कुछ सामान? सामान का मतलब मैं तो खुद वहाँ से ट्रैक्टर में लाया हूँ, उसके बाद मिस्त्री में भेजा, उसके बाद एक फिटिंग किया वो। हाँ। और कोई चेक वेक भी दिए? हाँ चेक दिया था मैं, ब्लैंक चेक। मेरे खाता में 2 लाख रुपये कटा है वो रखा हूँ मैं, उसका मैसेज आया वो। 2 लाख रुपए आपके खाते से कट गया? हाँ कट गया। 2 लाख रुपए आया कहाँ से? 2 लाख रुपए इसके विभाग से आया होगा सर, कहाँ से आया तो। अच्छा आया और कट गया 2 लाख। वो मैसेज भी दिखा देना। कब कब कटा ये पैसा? ये सर ये पैसा 1-1.5 महीना हुआ है। और कितने लगे हैं सर पीने वाले? अब यहाँ तो एक ही है सर, मतलब अभी सीजन में। और वो पहले पुराने वाले वास्ते पे इतने 1-2 बार लगाया था। चलो अभी अगला जो बनाओगे पक्का ही बनवाना, अगर दूसरा कोई खाता होगा तो एक खाते में 1 बार मिलता है। मेरे पिताजी का तो है सर, पिताजी का यही जमीन है मठ वाला, मेरे नाम में तो नाला के किनारे है उसका। ये कितने लागत लग रहा है, क्या लग रहा है, कितने का होगा? जी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा होगा सर 75-80 हज़ार के आसपास होगा। और क्या 1 लाख मान के चलिए, फिर भी से मतलब 1 लाख से ज़्यादा का नहीं हो, तो टीना का क्वालिटी उतना खास नहीं है। मैं तो बोला था सर आप 2 लाख देना सर, मैं इसको अच्छा फैसिलिटी तरह बनाऊंगा क्योंकि मेरे को जरूरत ही है यहाँ बनाना ऐसा करके। मैं मतलब अपने तरीके इसी नाम से इसका कालम वगैरह ना मजबूती दिया हूँ, क्योंकि वो बोले कि 4 लाख मैक्सिमम भी आप 3 लाख रुपये खर्चा करना करके मैडम, और 3 लाख में जिस 2 लाख मिलेगा जितना भी खर्चा करना चाहिए 8 लाख 10 लाख जो भी आपके हिसाब से जितना खर्चा करो, लेकिन आपको 2 ही लाख मिलेगा ऐसा बोला। तो मैं बोला चलो ठीक है मैडम, कम से कम मैक्सिमम इसको मैं 4 लाख तक का मतलब पूरा मतलब पक्का बना लूँगा। हाँ 3.5 लाख रुपये तक मतलब पूरा बजट बनाया था इसका, और 50,000 रुपया इसको मतलब अच्छा पार्टीशन करके मतलब AC लगाने का था मेरा। तो इसमें फिर ड्रिप में कद्दू लगाऊंगा, इस सीजन में खाली हो जाता सर पानी वानी में, तो कद्दू लगाऊंगा, कलिंदर लगाऊंगा, उसका अच्छा स्टोर्स कर, क्योंकि कोरोना काल में ना मेरा भयंकर नुकसान हुआ था। नहीं टीन के अंदर तो सब्जी रखोगे तो ज्यादा ये इसलिए तो रहता है कि सब्जी ज्यादा दिन तक आपको रोकना है तो रोक सको, जैसे मार्केट डाउन है 2 दिन बाद बेचना है तो ऐसी जगह रख लो कि सही हो। अब इस पर टीन में रखोगे तो और उबल जाएगी, तो क्या लगे? तो उबल जाएगा सर पूरा, तो बाहर ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ वो 3 महीने ही टिक पाएगा वो।